एक और बड़ी मुहिम जो जी बिजनेस चलाई थी, आपने चलाई थी कुछ दिन पहले, एक स्पेशल शो भी किया था, वो है जो ESM में ये बदलाव आए थे, नए रूल्स लागू हुए थे, थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स लागू हुए थे, उसमें आपने एक सवाल भी उठाया था कि क्या सच में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है, और स्पेशली ESM स्टेज टू के बाद में आपने एक स्पेशली सवाल उठाया था। एक बार पहले मैं वो बताना चाहता हूँ क्या अनिल जी ने सवाल उठाया था और फिर उस बड़ी मुहिम का क्या असर हुआ है। ESM को लेकर कोई समस्या नहीं है, लोग तैयार हैं, जरूरत है, ESM होना भी चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा बेहतर हो सकता है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट के हिसाब से न करें। और दूसरा ये कि ESM 2 थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पर आप हफ्ते में एक ही दिन ट्रेडिंग अलाउ करते हैं और सिर्फ 2% की। इस नियम को अगर वापस से रिव्यू किया जाए तो शायद बाज़ार में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर होगी, और हो सकता है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने के बजाय, जो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमारे तो पैसे अटक गए, फंस गए, निवेश करके एग्जिट नहीं मिल पा रहा है या हम प्राइस डिस्कवरी नहीं देख पा रहे हैं, उस समस्या से शायद छुटकारा मिलेगा। रेगुलेटर्स का ये बड़ा फैसला है, इसमें स्टेज वन वाली कंपनियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है ESM फ्रेमवर्क में। लगातार जोर शोर से जी बिजनेस पूरे मुद्दे को उठा रहा था, स्टेज टू वाली कंपनियों की सभी ट्रेडिंग डे में ट्रेडिंग की इजाजत दी जाएगी। पहले तो बताइए बड़ी मुहिम का बड़ा असर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आते दिखाई, कुछ दिन पहले ये स्पेशल शो करा था और स्टेज टू में ये बदलाव आ गया सर। नहीं दीप, बधाई तो मैं देना चाहता हूँ सेबी को, एनमी, BSE ब्रोकर्स फोरम जिनके प्रतिनिधि बागरी साहब, बायती साहब आकर उन्होंने बातचीत की, एक वो डॉक्टर साहब भी आए थे हमारे शो पर जो इसमें बड़े इन्वेस्टर हैं, संदीप जैन साहब जो काफ़ी माइक्रो कैप कंपनियों पर रिसर्च करते हैं। धन्यवाद है सेबी का कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा और उस पर डिसीजन लिया। सी ESM फ्रेमवर्क सेबी ने बनाया इसीलिए कि ताकि छोटे निवेशकों को छोटी कंपनियों में नुकसान से बचाया जा सके। आप कोई भी कचरा शेयर न खरीदें, वो उनका इरादा है। उनका इरादा ये है भी नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं कि अच्छी कंपनियां भी परेशान हों। सो आई थिंक कई बार क्या होता है, कोई डिसीजन होता है, डिसीजन लेने के पीछे अपने रीजन और लॉजिक होते हैं, और वो होता है ना, आपको गोली खाने के बाद ही पता चलेगा कि वो असर ज़्यादा कर रही है या रिएक्शन ज़्यादा कर रही है। करेक्ट। तो उन्होंने गोली बिल्कुल सही दवा के मर्ज के लिए दी कि हाँ भाई ये बीमारी है, इसके लिए ESM 1 और ESM 2 लागू होना चाहिए। हमारी भी रिक्वेस्ट यही थी कि भाई आप ESM 1 में कोई समस्या नहीं, 100% मार्जिन रखो, 5% का सर्किट फिल्टर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ESM 2 में जो सबसे बड़ी समस्या इन्वेस्टर्स को आ रही थी वो ये कि सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में ट्रेडिंग क्यों। करेक्ट। आप 2% भी सर्किट है चलो ठीक है, लेकिन ट्रेड तो रोज होने दो। तो वो बात सेबी ने मान ली, हमने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि थोड़े से नियमों में परिवर्तन कर ले, और ये ना रख लगे कि ESM में जो कंपनी आ गई वो सारे प्रमोटर्स बेकार हैं, चोर हैं, कंपनियां खराब है, क्योंकि वो उसमें पूरा प्राइस मूवमेंट पे आया था। Correct. और प्राइस मूवमेंट स्टॉक में दो ही वजह से होता है, या तो कोई स्पेकुलेशन चल रहा हो या कोई फंडामेंटली बढ़िया बदलाव हो। स्पेकुलेशन वाली कंपनी पर डंडा मारना बिल्कुल ठीक है, मानना चाहिए, एक नहीं 10 मारने चाहिए, जो सेबी कर रही है सही कर रही है, लेकिन अगर इस प्रोसेस में किसी कंपनी में फंडामेंटल कुछ बदलाव हो रहे हैं और उसकी वजह से प्राइस चेंजेस उनमें हो रहे हैं, चाहे ऊपर की ऊंचाई नीचे को, तो वो एक ध्यान में रख के डिसीजन लेने की रिक्वेस्ट थी जो सेबी ने मानी। तो सेबी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दोनों ही तीनों ही जो हमारे चारों एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने शो में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी, और एक्चुअली ये शो मैं लोगों को कहूँगा एक बार फिर से देखना चाहिए इसे। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था जिससे कि कुछ फ्रूटफुल निकल कर आए और वो रेगुलेटर्स तक पहुँचा है। तो उन्होंने उठाया इस चीज़ को, आई एम श्योर लोग काफ़ी खुश होंगे, स्पेशली माइक्रो कैप कंपनियों के इन्वेस्टर्स भी, प्रोमोटर्स भी, और जो स्पेशली जो ढंग से काम कर रहे हैं आई एम श्योर वो काफ़ी खुश होंगे। तो मुझे खुशी है कि एक अच्छा मुद्दा जो मार्केट में काफ़ी लोगों का था, और लोगों में मुझे जब से ये लागू हुआ काफ़ी मैसेज ये वो ट्विटर पे आप चुप हैं उठाने, अरे भाई पहले समझ तो लें, पढ़ तो लें क्या है क्या नहीं, चार लोगों से बात, ऐसा थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी कि हर चीज़ का ज्ञान हमें हमें भी समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऐसे खड़े होकर बोलना बड़ा आसान काम है, लेकिन वो फैक्ट्स फिगर्स को समझ के करें ना, बिल्कुल तब आता है। तो इसलिए थोड़ा किसी चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट का, आपके काम का हर मुद्दा हमारे नॉलेज में आता है, उस पर हम काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं।